सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को, हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां, 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 1500 गुना कर दीजिए, पैसा काफ़ी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमाने से मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम होगा, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे, आप लोग प्रेस के लोग भी, कि हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे, देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया, हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इनको चंद लोग से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचा, नरेंद्र मोदी पहुंच तो जाओ, हाँ दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का, अमेरिका अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई देश में घूमे, इनको अवसर मिला है तो ये भी देख लेगा कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं। आगे दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाएं। इतनी गरीबी है गुरु के और आपके गुरु कौन अध्यक्ष है वो नहीं नहीं उनके पार्टी के अध्यक्ष जी हो, अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं भाई, अरे अभी जो है मुझे अमित शाह बताओ, ही कहाँ के शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया हुआ भाई। सारे जो उस समय लोग थे हमारे साथी, बालू जी भी निकल गए, अगर प्लेन है तो हम भी, मेरा भी प्लेन अभी निकल जाए, हम क्यों पीछे रहे, हम भी निकल जाते हैं। फ्लाइट का टाइम आ गया, ताप जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। सभी लोगों को नमस्कार, जिंदाबाद, सब प्रणाम, क्या चलो। टाइम भी हो गया तो नमस्ते सब लोगों, प्रणाम।